होपफुली कॉम आ गई है। अब हमारे पास है H2SO4 एज सल्फोनेटिंग एजेंट। आप सल्फोनेटिंग एजेंट को थोड़ा सा रिलेट कीजिए नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस के साथ। वहां पे नाइट्रिक एसिड था तो वो एक नाइट्रेटिंग एजेंट था। क्या था वो? एक नाइट्रेटिंग एजेंट था। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये सल्फोनेटिंग एजेंट आपके पास कहलाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। कि हमने कंपाउंड लिया CH4, इसे हमने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ जो था कंसेंट्रेटेड, और रिएक्शन को हमने थोड़ी प्रोवाइड की है हीट, और हीट प्रोवाइड करने की सूरत में हमारे पास एक चीज बनी CH3SO3H, और साथ साथ निकल गया H2O। बात समझ गया भाई? पानी निकाल दिया बाहर हमने, बाकी सब कुछ जो बचा वो हमने यहाँ पर अपने पास ऐड कर लिया। आगे एक और रिएक्शन देख लेते हैं। CH3CH3 रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ, विच इज कंसेंट्रेटेड, हीट प्रोवाइड कर दी है। रिएक्शन में बना हमारे पास CH3CH2 और SO3H, और साथ साथ रिलीज हो गया पानी। H को निकाल रहे हैं, OH निकल कर आ रहा है, और हमारे पास H निकालने के बाद जब OH बचकर आ रहा है तो उस OH को हम कह रहे हैं कि भाई ये OH जो है वो हाइड्रोजन जिसको निकाला जा रहा है उसके साथ मिलकर पानी बना देगा। ये एक अदर प्यारा खूबसूरत सा कंपाउंड, और इसे हमने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ। ये एक रिएक्शन है जो कि मैं आपको सिर्फ एक लाइन लिखवा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन जब सर जुल्फकार आपको ये पढ़ा रहे होंगे तो वो इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म लिखवाएंगे। मतलब बात इसमें नहीं है कि उनको मुझसे ज्यादा लंबी करने की आदत है, वो रिएक्शन हो गई ऐसे, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिकली हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं इस वक्त कि यार हाँ ये H2SO4 था, वो वहां पे जाकर मिल गया और हाइड्रोजन को निकाल लिया। लेकिन वहां पे कुछ मामला जो इन डीप आपको समझाए जाएंगे वो सल्फोनेटिंग होगी, या फिर आप उसे कह लीजिए कि हमारे पास कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर डिस्कशन में आती है बात। तो ये हमारे पास कंसेंट्रेटेड से कराया गया, और ये रहा आपका वही बेंजीन। और ये चीज जुड़ गई आपके पास HSO3, और साथ साथ आपके पास पानी बनकर तैयार हो गया। बात यहां तक समझ में आ गई? सर, यहाँ हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। अरे हीट लिखना मैं रह गए, माजरत, हीट लिखना रह गई थी। हीट बात यहां तक सबको समझ में आ गई? जी सर। जी सही है भाई। तो एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप अपनी अगली क्लास में इंशाल्लाह उल अजीज जब आएंगे, यानी कि जो हमारी होगी अगले हफ्ते में, इस हफ्ते की हमारी दो क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, तो जब आप अगले हफ्ते में आएंगे तो ये कदर सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ उसका जवाब ढूंढते हुए आइएगा। वो सवाल ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो विस्कस क्यों होता है? सल्फ्यूरिक एसिड विस्कस क्यों होता है? बात समझ रहे मेरी? आपका सवाल ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड विस्कस क्यों होता है, उसमें ऐसी क्या बात है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड एक विस्कस सब्सटेंस है। सही है? कोई सवाल है किसी के पास? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल है किसी के पास? सर पूछ लो फिर हम क्लास एंड करते हैं।
फिजिक्स की क्लास है आज तुम लोगों की? नो सर, सैटरडे संडे होती है। इंशाल्लाह आपसे हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।